हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज जो गाइज गेम खेलने वाले हैं एमपीएल पर वन जोनपुर में, एंड गाइज ये गेम प्ले इतना इंटेंस होने वाला है ना, क्योंकि यहाँ पे हम जो ओनली 20 पॉइंट से इन दोनों बंदों को एलिमिनेट करके विनर बनने वाले हैं। सो वीडियो काफ़ी इंटेंस होने वाली है, सो वीडियो पूरा एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ओके, सो गाइज बात कर लेते हैं इस गेम प्ले की। हमारे पास देख सकते हो फर्स्ट राउंड में हमारे पास कोई ढंग के कार्ड होते नहीं, सो हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं और दूसरा बंदा भी ड्रॉप कर देता है, और जो हमारे लास्ट में बंदा बैठा होता है, जो बंदा प्ले कर लेता है, ये बंदा इजी इस राउंड को विन कर जाता है। खैर कोई नहीं, अब गाइज इन दोनों बंदों का होने वाला है बैड लक शुरू। सो अगेन गाइज कार्ड रिसीव हो चुके हैं, एंड गाइज देखो लकीली जो है राइट पे बंदा ड्रॉप कर देता है। सो इसी के साथ हमारी फोर के साथ भी और सिक्वेंस नहीं हो जाती, सो मैं यहाँ पे किंग डिस्कार्ड कर देता हूँ, एंड यहाँ पे देख सो तो मेरा टू का भी साइड रेंज हो जाएगा। और गाइज देखो ये बंदे प्ले करा, चलो कोई बात है नहीं, ओके चलो बढ़िया। गाइज बंदे ने एस डिस्कार्ड किया, सो इसी के साथ हमारा साइड रेंज हो चुका है। सो हम यहाँ पे डैन में 10 डिस्कार्ड कर देते हैं, एंड यहाँ पे देखते हैं बंदा इस बार कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करता है। ओके किंग डिस्कार्ड किया, सो हम किंग पिक कर लेते हैं, एंड इसी के साथ हमारा साइड रेंज हो चुका है टू का भी, और सेकेंड लाइफ भी रेंज हो चुकी है। सो हम यहाँ पे क्लब में 4 डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि 6 और 4 दोनों ही अलग कार्ड है। सो हम यहाँ पे 4 के साथ रिस्क लेते हैं, लेकिन यह बंदा भाई मिडल ड्रॉ कर देता है भाई साहब। देखो वैसे बंदे को कार्ड तो चाहिए था, लेकिन मतलब कुछ वैलिड थे, जैसे कि क्लब में 8 चाहिए था, हर्ट में 4 चाहिए था, मतलब इतने अच्छे कार्ड थे नहीं कि बंदे के पास प्योर सिक्वेंस नहीं हो जाए। बट बंदे का अगर लक अच्छा होता तो जरूर बंदा शायद प्योर सिक्वेंस कर लेता। खैर कोई नहीं, सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं, एंड अगेन देख सकते हो गाइस कार्ड काफ़ी अच्छे कार्ड है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो अनवैलिड कार्ड हमारे पास 4 है, एस किंग 9 क्वीन, ये 4 कार्ड अनवैलिड है हमारे पास। और गाइस देख सकते हो यहाँ पे 40 पॉइंट बंदे कुछ ज़्यादा टाइम लगा रहा है, बट कोई नहीं, ये बंदा क्वीन डिस्कार्ड कर दे। सो इसी के साथ हमारी जो है फोर्थ कार्ड की सीक्वेंस नहीं हो चुकी है, और सेकेंड लाइफ भी, सो हम यहाँ पे क्वीन ही डिस्कार्ड कर देते हैं। और गाइस देखो यहाँ पे डीलर प्ले करा, चलो बढ़िया। 7 हमारा देखो जा चुका है, 6 नहीं पिक करेंगे, लोटे से कार्ड पिक करते हैं भाई किंग, मतलब देख रहे हो गाइस डबल डबल किंग आ रहे हैं हमारे पास। सो मैं यहाँ पे 9 डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है बंदा किंग पिक कर ले। सो इसी के साथ हमने जो है किंग के साथ रिस्क नहीं लिया, अब देखते हैं गाइस बंदा जो है क्या करता है। बस मैं सोच रहा हूँ कि हमको अभी वैसे 2 वैलिड कार्ड चाहिए, सो किंग तो हमको डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा, हम इसको कब तक होल्ड करेंगे। ओके इस बंदे ने क्वीन डिस्कार्ड की, सो मैं यहाँ पे क्वीन पिक कर लेते हैं, एंड किंग डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि इस बंदे को लगना चाहिए कि हम जो है किंग का साइड ट्राई कर लें, एंड हो सकता है बंदा हर्ट में एस भी डिस्कार्ड कर दे। ओके सो देखते हैं गाइस बंदा ऐसी गलती करता है या फिर नहीं। और गाइस देखो बंदे ने अगेन किंग डिस्कार्ड कर दिया, मतलब मैंने सोचा नहीं था बंदे ने मतलब किंग डिस्कार्ड कर देगा, लेकिन मुझे लगा बंदे को भी साइड ट्राई नहीं कर रहा, मतलब हमने किंग डिस्कार्ड किया था ना, बंदे को लग रहा था कि हम सेट रहे नहीं करें, और बंदे ने भाई किंग डिस्कार्ड कर दिया अगेन, जिसका उसको नतीजा मिल चुका। और गाइस देखो वो बंदा एलिमिनेट हो चुका भाई जिस बंदे ने किंग डिस्कार्ड किया था, और भाई देखो रिजो नहीं कर गया, मतलब बंदे का दिमाग कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से फ्रस्ट्रेट हो चुका होगा, क्योंकि भाई जब ऐसा होता है ना कि प्योर सिक्वेंस नहीं होती तो भाई कहीं ना कहीं दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बंदे रीजन भी हो जाते हैं। ऐसा मैंने काफ़ी बार नोटिस किया, मैं खुद रीजन हुआ हूँ कभी कभी, क्योंकि जब बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है ना तो कुछ भी हो सकता है। खैर कोई नहीं, छोड़ो, अगेन गाइस कार्ड रिसीव हो चुके हैं, एंड अगेन देख सकते हो गाइस कार्ड इस बारी कार्ड काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो जोकर हमको एक ही मिला है, और यहाँ पे एक प्योर सिक्वेंस है। अब देखो बंदे ने 9 डिस्कार्ड किया, मैं सोच रहा था अगर बंदा ड्रॉप करेगा तो हम यहाँ पे 9 पिक कर लेंगे, बट कोई नहीं, बंदे ने 10 डिस्कार्ड किया, सो हम यहाँ पे 10 पिक कर लेते हैं, एंड यहाँ पे डिस्कार्ड कर देते हैं क्लब में 8, क्योंकि अब हमको एक ही कार्ड चाहिए। लेकिन भाई देखो बंदा 8 ही पिक कर गया, मैं सोच रहा था बंदा 8 के अकॉर्डिंग क्लब में 9 डिस्कार्ड कर देगा, इसी के साथ हम जो है सेट ट्राइंग कर लेंगे। खैर कोई नहीं, बंदा कार्ड पिक कर गया, और गाइस देखो बंदे ने जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही करता है, 8 के अकॉर्डिंग डिफरेंट कलर का 9 डिस्कार्ड कर देता है, और हमारा सेट ट्राइंग हो चुका है। सो हमने फाइनली 6 के साथ डिक्लेयर कर दिया, और गाइस देखो इस बार जो है सेकेंड लेफ्ट प्लेयर जो है डायरेक्ट एलिमेंट हो चुका है भाई, इस बंदे की प्योर सिक्वेंस रही नहीं हो पाई भाई, सीरियसली भाई बहुत ही गलत सीन हो गया। और गाइस देखो वो बंदा भी रीजन हो गया भाई, क्या बोले बंदों का, मतलब कि मेरे 20 पॉइंट और ये बंदे देखो 68 67 पॉइंट पे हैं, मतलब कि डिस्टेंस देखो कितना है भाई,
लेकिन भाई बंदे को फिर भी समझ नहीं आ रहा कि मैं भी प्ले कर रहा हूँ। खैर कोई नहीं, अगेन गाइस कार्ड रिसीव हो चुके हैं और यहाँ पे देखो भाई अगेन काफ़ी ओपी कार्ड मिले हैं। सो मैं यहाँ पे 6 डिस्कार्ड कर देता हूँ क्लब में, क्योंकि 5 जॉकर है सो 6 हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अब देखो हमको एक ही कार्ड चाहिए डिक्लेयर करने के लिए, वो सारा बंदा शायद डिस्कार्ड कर दे क्लब में किंग या फिर क्लब में 3, और बंदे ने हर्ट किंग डिस्कार्ड किया। कोई नहीं, क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं, यहाँ पे 8 आता है सो 8 ही डिस्कार्ड कर देते हैं भाई, जल्दी से बस कार्ड आ जाए एक। मैंने वैसे किंग डिस्कार्ड किया है, हो सकता है बंदा किंग अकॉर्डिंग क्लब किंग डिस्कार्ड कर दे, करना तो चाहिए पर देखते हैं। ओके और फाइनली गाइस बंदा क्लब किंग डिस्कार्ड कर देता है हमको किंग के अकॉर्डिंग, तो इसी के साथ हमारी सीक्वेंस नहीं हो चुकी है। सो 2 के साथ करते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश, एंड गाइस ये दोनों बंदे डैट एलिमिनेट हो जाते हैं और हम यहाँ पे इजी विनर बन जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में। ओके।